हेलो दोस्तों, वर्चुअल इन्फो प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आज दोस्तों हम बताने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा कॉलम है, कॉलम में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसमें स्टील का परसेंटेज एरिया कैसे निकालना है क्रॉस सेक्शन में, तो वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बताएंगे। जैसे कोई हमारा कॉलम है, ठीक है, उसको आप बीच से हम काटते हैं तो ये ऊपर से हमको ये ऐसा दिखेगा। जैसे कोई कॉलम है, जैसे कोई कॉलम है तो हम तो सामने से देख रहे हैं ये है, और ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ये ऐसा दिखेगा। तो इसका हमको परसेंटेज ऑफ एरिया निकालना है कितना होता है। अब जैसे इसका ये 400 mm है, ये हमारा 300 mm है, mm में है, इसको हम जीरो डाल देते हैं। स्टील में जो हमारा कॉलम है उसमें मिनिमम हम 0.8% स्टील डालते हैं और मैक्सिमम हमारा 0.6% है। तो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कॉलम है तो लेंथ हमारा है 0.400 और विड्थ हमारा 0.33, विड्थ हमारा 0.33 है। तो आप इंटू करेंगे तो ये 0.12 m², ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो अब इसमें क्या है, ये हमारा जैसे 16 का स्टील है, ये 16 mm का हमारा स्टील है, इसमें 16 भी हो सकता है, 16 के साथ 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वर्टिकल जैसे हमने VR लिखा है, तो वर्टिकल जो भी हमारा स्टील है वो 8 नोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये हमारा टोर 16 है, ये हमारा जो स्टील है वो 16 mm है, हमने लिख दिया। तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकालना है वो हम देखा। जैसे अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार, एक स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, π d² / 4, ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस सेक्शनल एरिया का निकालने के लिए एक बार का। तो हमारा पाई का आ गया 3.14। फिर हमारा ये 16 का स्टील है तो ये mm में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.116 आ जाएगा m² / 4। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो 0.0002 m² आ गया। अब इसमें क्या है कि आप जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखेंगे तो जो इसका फॉर्म आएगा वो 2 0 0 0 9 6 पॉइंट, ये हमारा आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। तो जैसे साइंटिफिक पर कैलकुलेटर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। तो -4, तो -4 है, तो सिंपल है कि आप जैसे 2.0096 है तो 2 है, तो इसके बाद ये आपका 1 2 3, जैसे -4 है तो 3 0 आएगा, और ये हमारा 3 0 के बाद ये हमारा ये आ गया पॉइंट, तो 0.2202, ये हमारा 96, तो हम इतना लंबा लेंगे नहीं, तो ये हमारा कैलकुलेशन आएगा। ये मैं आपको ऐसे बता दिया कि कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा एक स्टील का एरिया निकल गया 0.002 m², ठीक है। तो हमारा एक स्टील का ये हमारा एरिया निकल गया। और एक चीज़ और बता दें, जो भी हमारा वर्टिकल स्टील होता है, वर्टिकल स्टील होता है उसी को हम लेते हैं जैसे क्रॉस सेक्शनल परसेंटेज निकालता है, जो साथ में जो मेन बार होता है, जैसे स्टीरअप होगा हमारा जो राउंड में, उस स्टील को हम नहीं लेते हैं, जो जो वर्टिकल होगा जो मेन बार होगा वही लेंगे। तो ये हमारा 1 बार का निकल गया 0.022। अब इसको हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारा टोटल ऑफ 8 नोज बार, तो हमको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.116 mm² हमारा
ये टोटल स्टील का निकल गया ये एरिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किसका निकालना है आपको, जैसे ये है तो अब 0.0016 m² और आपको किसका टोटल सरफेस एरिया का निकालना है यहाँ पे, तो 0.12 m² और इसका परसेंटेज निकालना है 100, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, अब परसेंटेज निकालेंगे तो इसका हमारा 1.33% ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो क्रॉस सेक्शन हमारा स्टील का एरिया है वो हमारे क्या 1.33%। जैसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि आपका जैसे कॉलम ही है, कॉलम के बारे में कि आपका मिनिमम क्या होगा स्टील का परसेंटेज जो डालते हैं, तो वो 0.8% होगा और मैक्सिमम होगा क्या 6%। तो अभी जैसे इसमें निकाला तो इसमें क्या 1.33% हमारा है, तो इससे हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्टील का परसेंटेज कितना होगा। अब जैसे क्या है कि अब लैप होगा कहीं पे, जैसे यहाँ पे हमारा लैप आ गया, अब इसमें क्या होगा कि इसका एरिया ऑफ परसेंटेज क्या होगा जो लैपिंग का है, जैसे हमारा लैप का है उसमें मैक्सिमम हमारा 4% आएगा, ये आप याद रखिएगा, जहाँ भी लैपिंग आएगा वहाँ हमारा मैक्सिमम 4% स्टील होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।